क्या मुद्दा है आप लोगों का? हम लोगों का मुद्दा, इसके पहले दो बार भी हम लोग लिखित दिए, प्रखंड मुख्यालय में भी धरना दिए, लेकिन बीओ मैडम के द्वारा शिक्षक का समस्या का समाधान नहीं की। क्या क्या समस्या था? हम लोगों का जैसे मातृत्व अवकाश था शिक्षिका बहनों का, रुग्णा अवकाश था, एरियर था विभिन्न तरह का, वो सारा धरा का धरा रह गया। इनके रीजन का भी जो समस्या है उनका भी सॉर्ट आउट नहीं किया गया, और बहुत सारी समस्या जो है। और ये हमारे जो शिक्षक बंधु हैं रिटायर होने से कुछ दिन पहले, नजमुल जी के लिए भी क्या कहते हैं, इन्होंने लिखित आवेदन दिया दिए डीओ साहब को कि इनको निलंबित किया जाए, जबकि वह जायज चीज़ को क्या कहते हैं मीडिया के माध्यम से देने का काम किया था, और उसके लिए क्या कहते हैं निलंबन के लिए निकाला गया। और इस तरह से विभिन्न शिक्षकों को मानसिक शारीरिक दोहन किए, और कभी बीआरसी में बैठती नहीं थी, और जब भी हम लोग आते थे निराशा होकर जाते थे। शिक्षक की समस्या लेकर के हम लोग जब भी आते थे, कभी वह समस्या को सॉर्ट आउट करना नहीं चाहती थी, वह दलाल को पाले हुई थी और दलाल के माध्यम से ही हर काम वह करना चाहती थी। हम बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष थे, हम लोग इसके खिलाफ दो धरना भी दिए प्रखंड मुख्यालय में, फिर भी ये क्या कहते हैं इन पर विभागीय वर्चस्व था जो इनको बचाया गया और किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं किया। फिर हम लोग सोचे कि आज इनके विदाई समारोह, ये आप पैसा कमाए तो आपको सम्मान हम लोगों की तरफ से नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम हम लोग किए। किस तरह का कार्यक्रम आज आपके? मतलब इनके पुतला पर हम लोग जूता चप्पल का फूल के माला के जगह पे जूता चप्पल का माला पहनाए इनको। आपका परिचय? मैं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष निर्मल कुमार।